नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं, एक्शन में दिख रहे हैं। इसके पहले कोरोना काल हो, कोरोना काल से जुड़े प्रवासी मजदूरों का मुद्दा हो या फिर गोपालगंज कांड हो, हर मुद्दे पर सीएम नीतीश पर हमलावर नजर आए और अब जल जमाव जैसी स्थिति में भी वो पीछे नहीं हटे हैं। फिर से उन्होंने अपना मोर्चा संभाल लिया है और आज पटना की सड़क पर निकल गए हैं, जल जमाव वाले इलाकों में निकले हैं और साफ तौर पर सीएम नीतीश पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। इसके साथ लोगों से बातचीत भी की उन्होंने और एक और सवाल सबके सामने रखा कि कब तक स्मार्ट सिटी बनेगा। उन्होंने तंज कसते हुए सरकार पर ये कहा कि यही है स्मार्ट सिटी, यही है बिहार का नज़ारा, यही है पटना की तस्वीर। इसके साथ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कितने आक्रोशित हैं लोग और तेजस्वी यादव किस तरह से जवाब दे रहे हैं, आप भी देखिए और समझिए। हमेशा पानी भर जाता है ना, हमेशा हो जाता है। देखिए उसी से मैं निकली हूँ ना, उस दिन पहले फोटो पोस्ट भी मैं की हूँ। यहाँ पे राजवंशी नगर रोड नंबर 1 में भी काफी पानी है, मतलब इतना ही, कितना छाती तक आ जाता है। सुबह मॉर्निंग 7 o'clock में मतलब पानी काफी ज्यादा था, जिसमे बच्चे लोग भी डूब सकते हैं। अरे मतलब झोपड़ी रोड नंबर 1 में डूबने का भी डर है। हाँ, डूबने का भी डर। बच्चे तो अभी हाल ही बिजली दिक्कत होती है सर। हाँ ना, ठीक सर। इससे ज्यादा हाल तो सर अब लोग को रहने में होती है। अभी पूरा अंदर घुस जाता है पानी? यस सर, रोड में पूरा घुस गया, रोड में घर पे चली जाती है पूरी पानी। अच्छा, सारे क्वार्टर वाले को एकदम दिक्कत हो गया। स्मार्ट सिटी हो गया है? नहीं यस सर, ये स्मार्ट सिटी है। नहीं, ये स्मार्ट नहीं है, ये नीतीश कुमार का फेल्योर स्मार्ट सिटी है। पूरा पैसा सब चला गया, ये लूट हो रहा है, ये लूट हो रहा है। आप आ जाइए वापस, आप ही का इंतजार है भैया, हम लोग सहयोग है। तो आप लोग देख सकते हैं, सुना भी होगा ये का है, गवर्नर हाउस है और आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से ये तो आंख से आप लोग देख सकते हैं कि अभी कल से जो बारिश हुई है थोड़ा मोड़ा अभी तो छीटा ही पड़ा है, अभी पूरी बारिश नहीं हुई है, तो बहुत ही बुरा स्थिति होने वाला है। मुख्यमंत्री जी निकले हुए हैं आज रिएक्शन करने के लिए चारों तरफ, ये आप देखिए ना, जब बारिश से पहले निकल करके इंतजाम करना चाहिए। और हम लोग तो ढोल पिटवाने वाले थे तो खाली औपचारिकता पूरी करने के लिए बाहर निकले हैं, केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए निकले। अगर विपक्ष आवाज ना उठाता तो वो निकलते भी नहीं, ढोल की आवाज के पहले ही डर गए नीतीश कुमार। अब डरे नहीं डरे, लेकिन उनको जिम्मेदारी जो है वो निभाना चाहिए था। अब मॉनसून में क्या काम होगा, अभी कौन सा काम हो पाएगा, नाले का, ड्रेनेज का, नक्शा कहाँ है? पटना नगर निगम से नक्शा मांगिए, पटना का नाला का ड्रेनेज का नक्शा कहाँ है? पंप हाउस पूरे तरीके से जो है फेल हो चुका है, पिछले बार से भी कोई सबक नहीं सीखा गया है, फिर से लापरवाही हो रही है। अभी जो है नाव चला है, अभी मॉनसून पूरा आ जाएगा तो बड़े जहाज चलने पड़ेंगे। रेस्क्यू के लिए क्या ऑपरेशन, क्या नीति, क्या इन लोगों की प्लानिंग है? सरकार को तो अपनी कुर्सी की चिंता है, इनको जो है लोगों की चिंता नहीं है, नागरिकों की चिंता नहीं है। और ये केवल पटना की बात नहीं है, हर मुख्यालय जो है जिला मुख्यालय वहाँ की ये दुर्दशा बनी हुई है। आप जैसे किसी स्थिति देख रहे हैं तो क्या लग रहा है कि इस बार भी वही हाल होगा पिछले हाल जैसा, उससे बुरा होगा? अभी तो अभी देखिए मॉनसून अभी चढ़ा कहाँ है अच्छे से, अभी तो कुछ घंटों की बारिश में ये पटना का ये हाल है। और ये एक इलाका है, और इलाके आप जाएं तो आप तो वहाँ खड़े नहीं हो पाओगे।